वेलकम टू आइडियाज़ आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम तो कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रीन स्टीम चिकन जो बहुत ही मज़ेदार है और खाने में लजीज है तो चले आए स्टार्ट करते हैं एक किलो के करीब चिकन ली है और इसे इस तरह डीप कट लगा लिए हैं सब चिकन पर मैंने इसी तरह कट लगा लिए हैं तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी तीन टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके बाद में इसमें शामिल कर दूँगी ये पेस्ट जो मैंने बनाया है दस हरी मिर्ची और एक पुदीने की गट्ठी इन्हें लेकर मैंने ग्राइंड कर लिया था अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और साथ ही साथ इसमें मैं शामिल करूँगी वन टेबल स्पून वाइट पेपर वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर वन टेबल स्पून नमक टू टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर दूंगी घी और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि सारा मसाला और घी चिकन में अच्छे से मैरीनेट हो जाए और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी आधा पैकेट के करीब क्रीम और इसे अच्छे से मिक्स करके हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे आठ से दस घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं जी तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 200 ग्राम दही और दही डालने के बाद दोबारा इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि दही जो है वो सारी चीज़ों में अच्छे से मैरिनेट हो जाए मैरिनेट करने के लिए इसे मैंने ओवरनाइट रख दिया है स्टीम का प्रोसीजर ये है जी कि बड़े पतीले में मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया है अब इस पर मैं चन्नी जिसपे मैंने फॉल पेपर चढ़ाया है इस पर मैंने थोड़े बहुत सुराख कर दिए हैं ताकि स्टीम जो है वो निकलती रहे और मसाला जो है वो ठहरा रहे आप देख सकते हैं इस तरह मैंने इसमें होल किए हैं और अब मैरिनेट की हुई चिकन आप देख सकते हैं कि ओवरनाइट मैंने रखी थी और सारा मसाला इसमें किस तरह अच्छे से जस्ब हो गया है तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इस पर सारा मसाला कोटिंग हो गया है मैरिनेट किए हुए ये फ़ायदा होता है सारी रात मैरिनेट करके रखने का जी तो इसी तरह चिकन के एक एक पीस करके मैं छन्नी पर रख दूंगी और आप देख सकते हैं कि स्टीम निकलना स्टार्ट भी हो गई है बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसे स्टीम दिलवानी है और इसे आधे घंटे के लिए हमने इस तरह कवर करके रख देना है आटे के साथ आप इसे इस तरह कवर करेंगे तो स्टीम बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी तो जी तो हमारी ग्रीन स्टीम चिकन रेडी है मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ नाइफ की मदद से कि किस तरह हर एक पीस अच्छे से स्टीम हो होके पक चुका है आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय देना मुझे ना भूलिएगा तो आइए इसे डिश आउट करते हैं चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे इसे मैंने सर्व किया है रायते के साथ और इसे खाने में बहुत मज़ा आता है परांठे के साथ आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रसिक्लाज आइडियाज़ की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक